परफॉर्मेंस। जब हम इतना कॉन्शियस होकर इतनी चीजें स्टडी करके हर एनवायरनमेंट फैक्टर को ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस के लिए प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाएंगे, अपने वार्निंग सिग्नल्स को ध्यान में रखते हुए बिजनेस के डिसीजन लेंगे, तो क्या परफॉर्मेंस इंप्रूव नहीं होगी? होगी हमें। अब अगर आप बिल्कुल अलर्ट होकर जो 30% कट गया पता चलो वही पढ़े जा रहे हो, क्योंकि ना तो आपने वीडियोस देखी, ना हमने जब सिलेबस भेजा, ना क्लासेस अटेंड की कि ये चीजें कट गई हैं, फिर भी उन्हें पढ़े जा रहे हो, इट मीन्स आपने एनवायरमेंट स्टडी नहीं की। ये आपका एनवायरमेंट है ना, स्टूडेंट का एनवायरमेंट तो यही है रिलेटेड टू स्टडीज। पेपर में वो चीजें आई नहीं जो खुद याद करके गए, जो क्योंकि वो कट चुका था। लेकिन दूसरी तरफ एक बच्चा जो बिल्कुल अलर्ट है, उसके रिजल्ट और आपके रिजल्ट में फर्क होगा ना। तो सेम ही ये सब चीजें जब हम इतने अच्छे ढंग से बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करेंगे तो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस 100% गारंटेड इम्प्रूव होगी। सो दैट या दैट्स वाई वी आर गिविंग सो मच इम्पोर्टेंस टू द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इज इट क्लियर? Now I will show you the video which regarding which I was discussing.